अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन को एंड बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ रिगार्डिंग यह है जो बूटेबल पेन ड्राइव हम बनाते हैं उसके रिगार्डिंग। मैं आज आपको बताऊँगा कि जो है बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनता है। उसका पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आपको वीडियो एंड तक देखना है फ्रेंड्स, अगर आपको जो है पूरा प्रोसेस अच्छे से सीखना है और आपको अप्लाई करना है अपने पेन ड्राइव पे भी। इसमें क्या रहेगा, पहले हम जो है हर एक पेन ड्राइव के लिए अलग अलग जो है हर एक जो बूटेबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग पेन ड्राइव बनाते थे, जैसे कि विंडोज़ के लिए जो है हम अपना एक अलग पेन ड्राइव, बिकॉज बूटेबल चाहे वो कितना ही GB 16 GB का क्यों ना हो तो उसके लिए जो हमें है बूटेबल एक ही पेन ड्राइव पे बनता था। हर एक जो हमें पेन ड्राइव को फ्लैश करना पड़ता था। तो अगर हमें पांच हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 10 या फिर लिनक्स या फिर उबंटू, तो सबके लिए हमें करना पड़ता था अलग अलग पेन ड्राइव। बट अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि एक ही पेन ड्राइव में आप जो है किस प्रकार सब इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पेन ड्राइव मैंने इंस्टॉल किया है, 16 GB का पेन ड्राइव है। मैं आपको बताऊँगा पूरा प्रोसेस कि किस प्रकार आप जो है एक ही पेन ड्राइव में आप जो है 3 से 4 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन कैपेसिटी ऑफ आपके जो कैपेसिटी कितना है पेन ड्राइव के उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा ये जो 16 GB का है इस पर मैं जो है आपको 3 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा इसके अंदर, और वो भी ISO फाइल रहेंगी सब। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस यहाँ से। अभी पहले हम वेबसाइट पर विजिट करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो लिखना है वो लिखना है ventoy.net लिख लें या फिर ventoy.net/en/download.html लिख दीजिए। डायरेक्ट आप जो है पेज पे आ जाएंगे वेबसाइट की URL पे, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं ventoy जो वेबसाइट है, न्यू बूटेबल USB सॉल्यूशन है ये। यहाँ पे आपको जो है वर्जन मिल जाएगा ventoy का जो है विंडो के लिए और लिनक्स के लिए। अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर लिनक्स यूज़ करते हैं तो उसके नीचे वाले लिंक पे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप लिनक्स का है और विंडोज़ का है। मैं विंडोज़ का यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ बिकॉज मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, फाइल ओपन कर लेते हैं हम। जो ये फ्रेंड जिप फाइल है आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर के लिए। यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आप देख पा रहे हैं दूसरी बार मैंने आपको दिखाने के लिए डाउनलोड किया है। आपको क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट पे। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार फाइल क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी, देख पा रहे हैं इस प्रकार कुछ फाइल बन जाएगी। और फाइल के अंदर यहाँ पर लिखा रहेगा ventoy जो है हमारा डिस्क, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा रहेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और फाइल को ओपन करना है। एक चीज़ ध्यान रखें, फाइल को ओपन करने से पहले आप पेन ड्राइव जरूर लगा लें, जिससे क्या है वो वेब जो हम जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा हमारा जो है USB। हमें पेन ड्राइव पहले लगा देना है, फिर उसके बाद जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है सेंडिक्स का जो मैंने पेन ड्राइव लगाया हुआ है 16 GB का। और मुझे जस्ट क्लिक पे यहाँ पे जो इंस्टॉल पे है वो क्लिक करना है और ये मुझे यहाँ पे वार्निंग देगा कि आपका जो डेटा है वो सब इरेज हो जाएगा, 2 बार वार्निंग देगा आपको। यस करना है और यस करने के बाद आपका जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो मेरा प्रोसेस है ये कम्प्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन का। अभी मुझे जो जाना है यहाँ पे देख सकते हैं पेन ड्राइव का नाम भी चेंज हो चुका है, ventoy नाम भी हो चुका है मेरा पेन ड्राइव का, जो इसका जो लेटर है वो H है। फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है, जाना है ISO फाइल जो भी आपने डाउनलोड करके रखी है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैं दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से डाउनलोड करके रखी है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे 3 जो है विंडोज 10, उबंटू और एक जो लिनक्स का मिंट है उसका जो मैंने 3 ISO डाउनलोड करके रखी। इन तीनों को आपको जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, बस पेस्ट करना है आपको यहाँ पे। मैंने जो है एक और पेन ड्राइव मेरा उसमें मैं सेम चीज़ जो है करके रख चुका हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वही पेन ड्राइव यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। देख लीजिए आप दूसरा पेन ड्राइव आई जो मेटर है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है, इसमें मैंने सब जो है फाइलें कॉपी करके रखी है यहाँ पे। और इसके अलावा एक चीज़ और अच्छी है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी रख सकता हूँ ताकि जो स्पेस है मैं पूरा यूटिलाइज़ कर सकता हूँ उसके USB को। मैंने पूरा यूटिलाइज़ कर लिया USB को और कुछ और अपने सॉफ्टवेयर भी रख लिए उसके अंदर विंडो, और जो 3 इमेज फाइल हैं वो भी ऑलरेडी मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हैं। अभी क्या करेंगे हम जो पूरा सिस्टम को अभी शट डाउन करेंगे
और उसके बाद जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे सो उसका प्रोसेस भी मैं आपको जो है बताता रहता हूँ, जैसे ही इस पीसी को अभी हम शट डाउन कर देते हैं। जी पीसी जो है मैंने अभी शट डाउन कर दिया है लैपटॉप को मेरे, और अभी दिखा देता हूँ जिस पेन ड्राइव में मैंने जो है वो विंटोय जो विंडोज़ की जो फाइल डाली हुई है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। इसको मैंने बूटेबल पेन ड्राइव है ये मेरा जो, सो इस बूटेबल पेन ड्राइव को लगा के अभी मैं देखिए यहाँ पे जो है पावर ऑन करूँगा, और पावर ऑन करते ही मैं यहाँ पे F12 दबाऊँगा बूटेबल के लिए, बिकॉज मेरे लैपटॉप में जो है F12 से जो है बूटेबल होता है। सो मेरा डेल का लैपटॉप है और मैं इसको यहाँ पर पावर ऑन कर चुका हूँ और F12 दबा के इसको बूटेबल ऑप्शन स्टार्ट कर दिए। जैसे ही बूटेबल क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे जो मेरा पेन ड्राइव जो है यहाँ पे USB यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है MXT USB, इस पर आप इंटर कर दीजिए। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे ये देखिए आप वेंटोय जो है स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे मुझे तीनों दिखा रहा है कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, या फिर उबंटू करना है, या फिर लिनक्स करना है, या विंडो 10 करना है। सो मैं ट्रायल के लिए आपको जो है उबंटू दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे कर सकते हैं आप बूटेबल, बिकॉज़ यहाँ पे तीनों दिखा रहा है मतलब मेरा जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुका है फ्रेंड्स। सो मैं जो भी चाहे वो इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। फिलहाल मैं ट्रायल के लिए जो है उबंटू कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ट्राई उबंटू विदाउट इंस्टॉलिंग, तो मैं विदाउट इंस्टॉलिंग ट्राई करता हूँ उबंटू। सो ये देखिए उबंटू पूरी तरह जो है इसमें चालू हो चुका है, बट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, जस्ट ट्रायल के लिए जो है स्टार्ट हुआ है, ट्रायल के लिए स्टार्ट हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं अच्छे से, तो जब आप अच्छे से सीख जाए उसके बाद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको कोई भी जो सॉफ्टवेयर लाइक लिनक्स हो ओवर सीखना है अगर आपको, तो वैसे ही पेन ड्राइव में डाल के आप जो है ट्राई करने के लिए इसको ट्राई के लिए ओपन करके सीख भी सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे इंटरफेस, अगर यूज़ के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है इसको इंस्टॉल कर लें बाद में अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगे। सो मैं अब इसको पावर ऑफ कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि शट डाउन करके कि मैं वापस अपना विंडोज़ में कैसे जा सकता हूँ। तो इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। सो ये लैपटॉप शट डाउन हो गया अभी, और अभी मैं जो है ये मेरा बूटेबल पेन ड्राइव को निकाल लेता हूँ, और ये निकालने के बाद मैं वापस अभी जो है पावर ऑन करता हूँ पीसी को। सो पावर ऑन करने पर जो है वापस विंडो 10 स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज की हेल्प से आप जो है एक ही पेन ड्राइव में बहुत सारे बूटेबल जो है ओएस डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।